भाजपा के मंत्री और प्रदेश प्रवक्ता जयप्रकाश यादव वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी ताल ठोक चुके हैं। जयप्रकाश यादव से हुई चर्चा में उन्होंने कहा कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से रिकेश सेन के अलावा कोई भी प्रत्याशी मान्य होगा। साथ ही कहा कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं का उन्हें समर्थन प्राप्त है। तो क्या वजह ऐसी यहाँ पड़ी कि आपको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से लड़ने की जरूरत पड़ी? देखिए, ऐसा है संजय भैया कि जो वैशाली नगर विधानसभा का प्रत्याशी है वो हम सभी कार्यकर्ताओं को अस्वीकार है। ये विषय अलग है कि मैं खुले तौर पर इस विषय को बोल रहा हूँ, बाकी कार्यकर्ता जो है उनके मन में ये विषय है पर वो बोल नहीं रहे। उससे लिस्ट जारी हुई जबकि उसके बाद से आप सक्रिय हुए जी, लेकिन आखिर कुछ तो ऐसी वजह रही होगी जो भाजपा हाईकमान ने रिकेश सेन वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से रिकेश सेन को प्रत्याशी बनाया, कि इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? ये व्यक्ति जो है इसने धूल झोंक करके लोगों के केंद्रीय नेतृत्व के जो हमारे नेतागण है उनके आंखों में इन्होंने धूल झोंका है और यह टिकट प्राप्त करने में सफल हो गए हैं। हमारा पार्टी से कोई विरोध नहीं, नेताओं से कोई विरोध नहीं, हमारा विरोध इस व्यक्ति विशेष से है। इस व्यक्ति को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उसके बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे विधायक जी की अर्थी जो है उनके जीते जी इसके द्वारा निकाली गई थी, उनका पुतला फूंका गया था। क्योंकि रिकेश सेन भी सामाजिक कार्यों से लगातार जुड़े हैं, समाज के वर्गों के लिए उन्होंने काम किया है, विकास कार्यों के लिए भी उनकी महती भूमिका रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि रिकेश सेन जी ने क्या किया और क्या नहीं किया है, ये आप 37 वार्ड है वैशाली नगर विधानसभा में, आप 37 वार्ड में 37 जगह बात कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा मेरे मुंह से आप क्यों बोलवाते हैं। और एक दूसरी बात और ये भी है कि इनके द्वारा 5 अलग अलग वार्डों में चुनाव लड़ा गया है, ठीक है। ये अगर इतने ही लोकप्रिय थे, कोई भी नेता अपना जो निर्वाचन क्षेत्र है वो नहीं बदलता है बार बार, ये बदलते क्यों, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशिया न्यूज की खास पेशकश एक मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, वर्तमान में जिला मंत्री और प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश यादव जी। विभिन्न सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं और भाजपा के कट्टर समर्थकों में इनकी गिनती की जाती है। इनके साथ वार्ड की समस्याओं के निराकरण के लिए, अपने वार्ड की समस्याओं के निराकरण के अलावा अन्य वार्डों की समस्याओं के लिए निराकरण के लिए हमेशा निरंतर प्रयासरत रहे हैं। यही वजह है कि आज जन सैलाब इनके साथ चलता नजर आता है। चूंकि अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, विधानसभा होने वाले हैं आगामी 17 अक्टूबर को, 17 नवंबर को पूरे प्रदेश भर में दो चरणों में, तो वैशाली नगर विधानसभा का जो चुनाव है वो भी 17 नवंबर को होने जा रहा है। लेकिन क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता जो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे स्टूडियो में, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे क्या वजह, किन कारणों से आखिर ये स्थिति बनी? चूंकि जयप्रकाश यादव एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छा खासा इनका राजनीतिक अनुभव रहा है, सामाजिक कार्यों में भी भूमिका रही है, तो आइए हम जयप्रकाश यादव जी से ही चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी जिसकी वजह से इन्हें वैशाली नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी करनी पड़ी। जयप्रकाश यादव जी, ग्रैंड एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहला सवाल यादव जी आपसे एक ये, चूंकि आपकी छवि जो है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गिनी जाती देखी जाती है भिलाई शहर में, आप पूर्व पार्षद रहे अपने वार्ड के और साथ ही अभी आप वर्तमान में भिलाई जिला भाजपा के मंत्री हैं और प्रदेश प्रवक्ता के रूप में आपकी पहचान है, तो क्या वजह है आखिर, चूंकि कर्मठता तो जैसा कि बताया जाता है आपके बारे में, आपकी रग रग में बसी हुई भाजपा को लेकर के, तो क्या वजह ऐसी यहाँ पड़ी कि आपको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से लड़ने की जरूरत पड़ी है? देखिए, ऐसा है संजय भैया कि जो वैशाली नगर विधानसभा का प्रत्याशी है वो हम सभी कार्यकर्ताओं को अस्वीकार है। ये विषय अलग है कि मैं खुले तौर पर इस विषय को बोल रहा हूँ, बाकी कार्यकर्ता जो है उनके मन में ये विषय है पर वो बोल नहीं रहे। क्योंकि जब 1 तारीख को ये सूची लीक हुई थी प्रत्याशियों की, तब से लेकर के 9 तारीख तक हम सभी ने विरोध किया था, जमकर विरोध किया था कि ये प्रत्याशी हमें स्वीकार नहीं होगा। उसके बाद भी जब 9 तारीख को सूची जारी होती है शाम को, तो इन्हीं का नाम आता है। उसके बाद से मैंने यह निर्णय लिया कि मैंने सोशल मीडिया में फेसबुक लाइव आकर अपने विषय रखे, उसके बाद से जन समर्थन मेरे साथ जुड़ता चला जा रहा है, सबका फोन आ रहा है और सब ये बोल रहे हैं कि हम इस बार जो है इस प्रत्याशी को नहीं चुनेंगे,
आप आइए मैदान में, हम आपको आशीर्वाद देंगे। क्योंकि आपका ऐसा कहना है कि जब से लिस्ट जारी हुई, जबकि उसके बाद से आप सक्रिय हुए जी, लेकिन आखिर कुछ तो ऐसी वजह रही होगी जो भाजपा हाईकमान ने रिकेश सेन वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से रिकेश सेन को प्रत्याशी बनाया, कि इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? ये व्यक्ति जो है इसने धूल झोंक करके लोगों के केंद्रीय नेतृत्व के जो हमारे नेतागण है उनके आंखों में इन्होंने धूल झोंका है और ये टिकट प्राप्त करने में सफल हो गए हैं। और स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसको इनके द्वारा कभी भी अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और उनके साथ कभी ये कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चले। ये वैशाली नगर विधानसभा जो है ये पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है और यहाँ पर जो हमारे पूर्व में नेता हुए, हमारे विधायक जी हुए जो इस संसार में अभी नहीं है, उससे पहले जो हमारी राष्ट्रीय नेत्री हुई वो यहाँ से विधायक रही, और जो भी हमारे पार्टी के जो नेता हुए, नेतृत्व हुए, उसका एक छवि एक गुण भी इस व्यक्ति के अंदर हमको नहीं दिखाई देता। तो क्या जैसा कि आपका कहना कि उसकी एक छवि एक गुण भी रिकेश में नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उन्हें भाई प्रत्याशी बनाया तो कुछ तो चीजें होगी। हमने तो यही कहा कि पार्टी नेतृत्व से, शीर्ष नेतृत्व से, कि अभी भी समय है, इस व्यक्ति को बदल दीजिए। हमारा पार्टी से कोई विरोध नहीं, नेताओं से कोई विरोध नहीं, हमारा विरोध इस व्यक्ति विशेष से है। इस व्यक्ति को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उसके बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे विधायक जी की अर्थी जो है उनके जीते जी इसके द्वारा निकाली गई थी, उनका पुतला फूका गया था। हर बार सदन में जो है कांग्रेस के पार्षदों के साथ, कांग्रेस के महापौर के साथ सांठगांठ किया गया है, भाजपा के पार्षदों को ठेंगा दिखाया गया है, विकास कार्यों में शहर के लोगों के आंख में धूल झोंका गया है, कमीशनखोरी का इसका वीडियो सामने आ रहा है, और भी बहुत सारी बातें हैं। मेरी मर्यादा है, मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा, जब समय आएगा तो एक एक बात का, एक एक विषय का मैं खुलासा करूंगा सार्वजनिक रूप से। और ये व्यक्ति को चाहिए कि जैसा कि ये बोलते अभी फिर रहे हैं कि जयप्रकाश यादव जी मेरे छोटे भाई हैं, अरे जयप्रकाश यादव जी को आप छोड़ दीजिए, जयप्रकाश यादव जी को आप छोड़ दीजिए, आपके ही हमारे पार्टी में बहुत सारे बड़े भाई भी हैं, आपके बहने भी हैं। आप यदि मैं अगर रिकेश सेन जी की जगह होता, यदि मैं रिकेश सेन जी की जगह होता, मुझे अगर प्रत्याशी बनाया गया होता और इतना मेरा विरोध हो रहा होता तो मैं स्वयं जो है यह टिकट छोड़ देता, बी फॉर्म बोल देता कि मेरे नाम से मत दीजिए, किसी भी कार्यकर्ता के नाम से दे दीजिए, मेरी नैतिक जिम्मेदारी रहती। और ये पार्टी में बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, कनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे युवा हैं, माताएं, बहनें, युवा महिलाएं, बहुत सारे लोग हैं। किसी को भी टिकट अगर मिलती है, मेरा विरोध नहीं है, मेरा विरोध इस व्यक्ति से, क्योंकि मेरी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है। ये अगर जीत रहा है तो कांग्रेस जीत रही है, और ये अगर हार रहा है, चूंकि अभी आपने कहा कि मेरी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, लेकिन इसमें मेरी विचारधारा यादव, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, यह इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन नहीं मालूम, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत नहीं मालूम, इसको जो है एकात्म मानववाद नहीं मालूम, इसको पार्टी संगठन के बारे में नहीं मालूम, यह कभी किसी कार्यकर्ता के साथ घुला मिला नहीं, कभी इसने बूथ की बैठकों में, शक्ति केंद्र की बैठकों में, मंडल की बैठकों में कभी आए हैं क्या? कोई कार्यकर्ता बता दे। आज तो उनके साथ भाजपा कार्यकर्ताओं का पूरा, सभी जितने भी मंडल है सबके कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी, एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी, वो अगर टिकट प्राप्त करता है तो जो जन सैलाब हमने देखा है पूर्व में, इनके साथ में उसका 2% भी नहीं चल रहा है, ये सोचने की बात है। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा भी कई स्थानों पर देखा गया, उनके साथ कई लोग चलते हैं, भाजपा कार्यकर्ता के अलावा वार्ड के नागरिक भी रहते हैं। देखिए ऐसी बात है कि जब 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम आएगा तब सारी बातों का उत्तर आपको मिल जाएगा, अभी मेरे मुंह से आप मत बुलवाइए, जनता समय आएगा तो खुद बोलेगी। क्योंकि रिकेश सेन भी सामाजिक कार्यों से लगातार जुड़े हैं, समाज के वर्गों के लिए उन्होंने काम किया है, विकास कार्यों के लिए भी उनकी महती भूमिका रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि रिकेश सेन जी ने क्या किया और क्या नहीं किया है, ये आप 37 वार्ड है वैशाली नगर विधानसभा में, आप 37 वार्ड में 37 जगह बात कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, मेरे मुंह से आप क्यों बोलवाते हैं। और एक दूसरी बात और ये भी है कि इनके द्वारा 5 अलग अलग वार्डों में चुनाव लड़ा गया है, ठीक है, ये अगर इतने ही लोकप्रिय थे, कोई भी नेता अपना जो निर्वाचन क्षेत्र है वो नहीं बदलता है बार बार, ये बदलते क्यों, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बदलते हैं लेकिन जीतते हैं, जीत जो है वो पैमाना नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी मूल्यों पर आधारित राजनीति करती है। सांठगांठ करके अटल जी ने
जो है सरकार गिराना पसंद किया था, एक सांसद को खरीद फरोख्त उन्होंने नहीं किया था, सरकार गिराना उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ये कहा था कि यदि खरीद फरोख्त करके सरकार बनती है तो उस सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता हूं। और उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सबके प्रेरणा पुंज है, उन्होंने कहा था अगर पार्टी गलत करती है तो कार्यकर्ताओं को उसको सही कर देना चाहिए। तो इस बार कार्यकर्ता जो है मैदान में और पार्टी को सबक सिखाना है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व को यह संज्ञान लेना चाहिए कि वैशाली नगर विधानसभा हम हार रहे हैं तो अभी भी प्रत्याशी बदल सकते हैं, प्रत्याशी को बदल दें, मुझे मत दे टिकट, मुझे नहीं चाहिए टिकट, वो किसी भी निष्ठावान पार्टी के कार्यकर्ता को दे दे, आम नागरिक को दे दे, हम उनके लिए झंडा उठाने के लिए तैयार है। विषय मेरा नहीं कि मुझे चुनाव लड़ना है, विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में जीतनी चाहिए। चूंकि अपनी भावनाओं से अपनी बातों से आपने पार्टी हाईकमान को अवगत कराने की कोशिश की, हर प्रकार से हमने अवगत कराया है और हमें मतलब संकेत भी प्राप्त हुए हैं कि संभवतः टिकट बदल सकती है, हम उसका इंतजार भी कर रहे हैं। चूंकि आप पूरे दमखम के साथ अभी वैशाली नगर विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, क्षेत्र में उतरे हैं, तो जो आपको क्या लगता है, अगर चलिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, मान ली अगर ये भी मान लिया जाए कि उन्हें हटाती है पार्टी किन्हीं कारणों से, तो क्या उसके बाद भी आप दावे नहीं, राकेश सेन जी को अगर पार्टी जो है प्रत्याशी के रूप में नहीं स्वीकार करके बदल देती है और किसी भी निष्ठावान कार्यकर्ता को देती है तो बिल्कुल मैं चुनावी मैदान में नहीं आऊंगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में जैसे मैं आज तक काम करता रहा हूं, आगे भी काम करता रहूंगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में कहा जाता है कि वो कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, वो पार्टी देखते हैं व्यक्ति नहीं जी, क्योंकि यहाँ पे तो आपके द्वारा व्यक्ति को देखा जा रहा है। बिल्कुल, चाल चरित्र और चेहरा ये हमारी पार्टी का नारा रहा है, पार्टी विद डिफरेंस। यहाँ पर ऐसा प्रत्याशी आया है जिसको अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे उसकी छवि बहुत अच्छी है ऐसा नहीं प्रतीत होता है, और यदि मैं उसके लिए झंडा उठाता हूँ तो ये मेरे सिद्धांतों और उसूलों के खिलाफ है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आपके सिद्धांतों और उसूलों के खिलाफ है, तो लेकिन इस मामले में तो ये भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो भिलाई की है उसके समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा विकेश सेन का बराबर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस रास्ते में मैं जब चल पड़ा हूँ, ये जरूर मैं अकेले चल रहा हूँ मगर मेरे पीछे एक जनसैलाब चल रहा है, वो जब आप आगे आने वाले समय में देख पाएंगे। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, चूंकि हमारी पार्टी में अनुशासन की मर्यादा है, अनुशासन हमारे पार्टी में सर्वोपरि है, तो उस अनुशासन के दायरे में सारे कार्यकर्ता हैं, और मैंने इस बार खुलकर ये बात अपनी रखी सार्वजनिक तौर से, और मैं भी फॉर्म बदलने का आग्रह कर रहा हूँ। मेरी नाराजगी पार्टी से नहीं है, पार्टी के अनुशासन को मैं भी मानता रहा हूँ, और 16 वर्षों तक मैंने अनुशासित कार्यकर्ता होने का परिचय भी दिया, कभी मैंने इससे पहले किसी प्रकार से अनुशासनहीनता नहीं की है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम सबका मन दुखी है। क्योंकि आपने कहा आप 16 वर्षों से कार्यकर्ता हैं और कभी भी आपने अनुशासनहीनता नहीं की, चलिए हम आपकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन ये तो जो आपका जो कदम दिख रहा है तो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि अटल जी ने बोला है कि भाई यदि कार्यकर्ता को सही कर देना चाहिए, पार्टी अगर गलत करती है तो, पार्टी ने यहाँ पर गलत थोपा हुआ प्रत्याशी नहीं चलेगा, दागी प्रत्याशी हमको नहीं चलेगा और कांग्रेसी प्रत्याशी हमको नहीं चलेगा। चूंकि अपनी जो बातें आपकी जो बातें तमाम बातें जो आपके द्वारा कही जा रही उससे आपने उन बातों से आपने प्रदेश हाईकमान को अवगत कराया होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व तक किसी तरह की कोई पहल की गई जा रही इस प्रत्याशी को लेकर के? केंद्रीय नेतृत्व तक हमारे द्वारा पत्र व्यवहार किया गया है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारी मातृ संगठन है, सभी को हमने अवगत कराया, शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत कराया है, बहुत सारे माध्यमों से जितने भी माध्यम हो सकते हैं उन सबसे भी अवगत कराया है। टिकट नहीं मिला था इनको उसके पहले भी अवगत कराया था, और टिकट मिला है उसके बाद भी हम अवगत करा रहे हैं, लगातार बातें रख रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, और मैं अकेला नहीं हूँ इस मुहिम में, मैं अकेला सामने दिखाई दे रहा हूँ पर एक बहुत बड़ी फौज इसमें काम कर रही है पीछे, एक बहुत बड़ी टीम इसमें काम कर रही है पीछे, और ये वो फौज और वो टीम है जो वैशाली नगर विधानसभा के अस्तित्व को बचाए रखना चाहती है। लेकिन जैसे आपका रिकेश सेन की बात ले रहे हैं, अब रिकेश सेन की जगह अगर यदि भाजपा किसी दूसरे प्रत्याशी को मौका देती है, चाहे वो कोई पार्षद हो या सामान्य पदाधिकारी हो, तो उस समय आपकी क्या स्थिति होगी, आप उसमें उसके समर्थन के लिए आएंगे? 100% मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहता हूँ कि बिल्कुल मैं जो भी प्रत्याशी होंगे इनके बाद मैं उसका समर्थन करूंगा, मुझे किसी प्रकार से उनका कोई विरोध नहीं है, मेरा विरोध इस पर्टिकुलर प्रत्याशी को लेकर है और उसके पीछे के जो कारण है। प्रत्याशी आप बता रहे हैं तो पर्टिकुलर प्रत्याशी में ये चीज भी सामने आती है कि
कि कोई निजी आपसे उनकी व्यक्तिगत, मेरी उनसे निजी किसी प्रकार से कोई भी वाद विवाद नहीं है, निजी मेरा उनसे किसी प्रकार की कोई भी वैमनस्यता नहीं है, मेरा निजी उनसे किसी प्रकार का कोई भी बैर भाव नहीं है, ये मैं कार्यकर्ताओं की लड़ाई को लड़ रहा हूँ। आम भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं और खून पसीना लगाते हैं, और इस क्षेत्र में जब भारतीय जनता पार्टी आज सशक्त स्थिति में है, उसके बाद में ये व्यक्ति अगर आ गया है तो इस व्यक्ति को लोग नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, इस बात को मैं सामने आकर के कह रहा हूँ। क्योंकि रिकेश की टिकट मिलने के उपरांत से ही आपके द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नजर नहीं आता कि आपकी बातों का किसी तरह का कोई असर हाईकमान पे हुआ है। अब वो तो ऐसा है कि एक बार जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व में निर्णय हो गया है, उस निर्णय को बदलने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में हम चल रहे हैं, और असंभव कुछ भी नहीं है। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जन भावनाओं का, कार्यकर्ताओं के, राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का बड़ा सम्मान होता है, और हम में पूरा विश्वास है कि जो है शीर्ष नेतृत्व संज्ञान लेगा और इस निर्णय को बदल देगा। आपकी तैयारियां किस तरह से चल रही है अभी फिलहाल देखा जाए तो? मेरी कोई तैयारी नहीं है, मेरी पूरी तैयारी जो है वो जनता कर रही है, जो परिस्थितियां बन रही है उन परिस्थितियों के अनुकूल आज आम लोगों में चर्चा हो रही है कि ये इस बार जो हुआ है वो गलत हुआ है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मैं अकेला नहीं हूं, और भी भाजपा के लोग जो उद्विग्न है, जो नाराज हैं, वो लोग भी आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और हम सबकी मुहिम एक ही है कि रिकेश भगाओ, वैशाली नगर बचाओ। चूंकि आपको लगता है कि ये रिकेश सिंह को प्रत्याशी बनाए रखती है पार्टी, तो इसे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की जीत तय एक प्रकार तय मानी जाएगी? वो तो समय बताएगा कि कौन जीतता है। हमारी लड़ाई तो विचारधारा की लड़ाई है, कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, सिद्धांतों की लड़ाई है। जब अधर्म हो रहा हो तो धर्म की स्थापना के लिए हमें आगे आना चाहिए, ये हमारे शास्त्र और संस्कार दोनों हमें सिखाते हैं, तो ये उसी प्रकार की बात है। अभी यहाँ पर जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है, और सत्यमेव जयते का नारा अंत में गूंजेगा, और 3 दिसंबर को परिणाम जब देखेगा तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि इस विधानसभा में जो आम जनता है और जो राष्ट्रीय पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, उन सब ने मिलकर एक अनूठा प्रयास किया है, और इतिहास के पन्नों में वो क्षण जो है दर्ज होगा। यादव जी, यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, हम ये भी जानकारी मिल रही है और देखने को भी मिल रहा है कि रिकेश सेन जी द्वारा लगातार यही कहा जा रहा है सभी मीडिया में कि जयप्रकाश यादव मेरा छोटा भाई है और मैं उसे मना लूंगा, तो अभी रिकेश सेन द्वारा आपसे किसी तरह का कोई संपर्क किया गया? देखिए, अभी तक तो मेरे पास उनके द्वारा ना फोन आया है, ना वो कभी मुझसे मिलने आए हैं। और रही बात छोटे भाई की, तो आप जयप्रकाश यादव का विषय छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में ही बहुत सारे रिकेश सेन जी के बड़े भाई भी हैं, बहुत सारे रिकेश सेन जी की बहनें भी हैं। आप उन सब के भावनाओं का भी ख्याल रखते हुए अपना जो है बी फॉर्म जो है वो छोड़ दीजिए, आप जो है अपना टिकट छोड़ दीजिए। कारण इसका ये है कि यदि रिकेश सेन जी की जगह मैं होता और मेरा इतना विरोध हो रहा होता, तो मैं स्वयं ये कह देता पार्टी हाईकमान से कि आप जो है किसी भी कार्यकर्ता को अवसर दे दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और रही बात यदि वो आते हैं मेरे पास, तो मेरी जो प्रतिक्रिया होगी वो ये है कि मैं उनसे यही कहूँगा कि अभी भी वक्त नहीं मतलब गुजरा है, आपके पास अभी भी वक्त है, अभी भी आप अपना जो टिकट है वापस कर दीजिए, जिससे कि आपका मान सम्मान भी बना रहे, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी आदर हो, और इस विधानसभा में कमल का फूल ना मुरझाए, कमल का फूल खिले। वैशाली नगर विधानसभा अभी तक भारतीय जनता पार्टी की रही है, आगे भी भारतीय जनता पार्टी की ही रहे, इसकी रक्षा हो सके और हम छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बना सके भाजपा की, इसके लिए भी ये आवश्यक है कि आपके द्वारा जो है अपने पद लोलुपता का ये जो भाव है उसको आप छोड़ दीजिए, जो आप माला पहनकर घूम रहे हैं, और कार्यकर्ता जो है बहुत निराश है, और कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध आपका हुआ ये आप जानते हैं, उसके बाद भी आपने टिकट हासिल कर ली, टिकट हासिल करने के बाद आप लोगों से मिल के मनाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई भी मान नहीं रहा है, कोई भी कार्यकर्ता आपके साथ नहीं आ रहा है, ये बात आप जानने के बाद भी, समझने के बाद भी क्यों, क्या क्या ऐसी कांग्रेस से आपकी सांठगांठ हो गई है क्या कि आप भाजपा से टिकट लेकर हारना चाहते हैं इसलिए आपने टिकट ली है क्या? जब आपको सब कुछ स्थिति परिस्थिति समझ में आ रही है कि साथ में कोई नहीं आ रहा है,
जिन वार्डों से आप पार्षद रहे उन वार्डों के लोग भी आपके साथ नहीं आ रहे, पार्टी के कार्यकर्ता भी आपके साथ नहीं आ रहे, उसके बाद भी आप क्यों पदलोलुप होकर के लड़ना चाहते हैं? आपको जब स्थिति परिस्थिति समझ में आ चुकी है, भावनाएं लोगों की समझ में आ चुकी है कि कोई आपके साथ नहीं आ रहा है, उसके बाद भी आप क्यों लगे हुए हैं और इस सीट को हराना चाहते हैं? ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ। यादव जी, एक सवाल आपसे ये भी है, चूंकि आप अभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क में, कि कार्यकर्ताओं की क्या भावना है, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के शुरू से जुड़े हुए, बीजेपी को एक माँ की तरह चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो उनका क्या कहना है, चूंकि आप लगातार सभी वार्डों में घूम रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों से अगाध प्रेम है, स्नेह है, और सभी कार्यकर्ता जो है उनका जो दुख है, उनकी जो पीड़ा है, वो मैं महसूस करता हूँ, और उनकी दुख और पीड़ा को ही महसूस करने के बाद मैं इतना बड़ा कदम उठा रहा हूँ। तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को पार्टी हाईकमान नहीं समझ पाया, आपके कहने का मतलब ये? कार्यकर्ताओं की भावनाओं को पार्टी हाईकमान को हम परिणाम में बदल करके समझा देंगे इस बार। ये एक पार्टी का आम कार्यकर्ता बोल रहा है, ये सभी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ आकर के, न सिर्फ बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मुझे ये कह रहे हैं कि भैया आप पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आपने जो बीड़ा उठाया है वो अभी तक किसी ने नहीं उठाया। समूचे छत्तीसगढ़ में मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से मोर्चा खोला है, और मैं अपने आगे की जो मेरी राजनीतिक जीवन है उसका मैंने आत्महत्या कर लिया है, मैंने राजनीतिक हत्या कर ली है अपने स्वयं की, ये सारी बातें बोल करके, और सिर्फ इसलिए किया कि मुझे अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रति प्रेम है, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, और उनकी भावनाओं को आज जो ठेस और चोट पहुंच रही है वो चोट को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे इस व्यक्ति को सबक सिखाना है जिसने मेरे कार्यकर्ताओं को रुलाया। क्योंकि देखिए, पार्टी हाईकमान जब कोई भी निर्णय लेती है, आमतौर पर सभी पार्टियों में देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के कार्यों को देख करके निर्णय लिया जाता है। तो रिकेश सेन में कहीं ना कुछ तो ऐसी बातें जरूर होंगी, क्योंकि टिकट के लिए कई सारे दावेदार थे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में, उसमें वरिष्ठ भी हैं, युवा भी हैं, सबने आवेदन किया था जिला अध्यक्ष महोदय को, लेकिन रिकेश सेन का ही चयन किया गया, इसमें कुछ तो खूबियां दिखी होंगी पार्टी हाईकमान को। देखिए, कई बार ये होता है कि धूल झोंक करके पार्टी के आलाकमान के आंखों में सफलता प्राप्त कर ली जाती है। टिकट प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, जनता का जनादेश प्राप्त करना और पार्टी के निर्णय को सही साबित कर देना, यह बहुत बड़ी बात होती है। तो इस बार ये जो परिस्थितियां बनी हैं, इन परिस्थितियों में समय बताएगा, आम जनता बताएगी, आम राष्ट्रीय पार्टी के सभी कार्यकर्ता बताएंगे कि कैसे थोपा हुआ प्रत्याशी लोग नकार देते हैं, और आने वाले समय में ये परिपाटी बदले, इसके लिए हम सब एकजुट हैं। क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में शायद आप ही एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में से खुल करके सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल ऐसी कहीं बातें सुनाई नहीं दे रही हैं। वैशाली नगर विधानसभा में जयप्रकाश यादव ही पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का विरोध करते नजर आ रहे हैं। पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा में मैं प्रदेश में कार्य समिति सदस्य रहा, और प्रदेश युवा मोर्चा में मैं संयोजक रहा सोशल मीडिया सेल का, और प्रदेश भर के सभी कार्यकर्ताओं से मेरे संपर्क शुरू से रहे हैं, जीवंत संपर्क है, सतत संपर्क है। तो उन सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा भी यही पीड़ा व्यक्त की गई है, और ये कमोबेश स्थिति जहां जहां पर भी है, जिन स्थानों पर भी है, उन सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ही आदर करते हुए मेरे द्वारा एक कदम उठाया जा रहा है कि इस बार एक कार्यकर्ता लड़ रहा है चुनाव, और चुनौती देता है थोपे हुए प्रत्याशी को कि पार्टी यहां पर जीतेगी, भारतीय जनता ही जीतेगी, यदि मैं जीतता हूं निर्दलीय के रूप में तो भी भाजपा ही जीतेगी। किस प्रकार से एक नकली व्यक्ति भाजपा की टिकट पा जाता है, और किस प्रकार से पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, और वो भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता जीत जाता है तो भाजपा ही जीतेगी। मेरी विचारधारा यदि आप मेरा उंगली भी काट देंगे तो उससे भी जो खून बहेगा उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का ही नारा बुलंद रहेगा। भारतीय जनता पार्टी मेरे रग रग में है, मेरे रोम रोम में है, मेरे पैर के नाखून से सिर के बाल तक
सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, और मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को इस जन्म में अपने से कभी अलग नहीं कर पाऊंगा। मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को इस विधानसभा से बचाने की है, क्योंकि यह जो बहरूपिया इस पार्टी से भूल चूक से टिकट पा गया है, वो अगर आ जाता है तो मेरे निष्ठावान भाजपा के सिपाहियों को आने वाले समय में एक वार्ड पार्षद की टिकट पाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। अभी से इनके कमीशन के वीडियो आ रहे हैं, अभी से इनके कमीशन खोरी की बात हो रही, जब एक वार्ड के छोटे से पार्षद हैं। यदि ये कल विधायक हो जाते हैं तो कमीशन खोरी की पराकाष्ठा होगी, छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को भटकना पड़ेगा, इनके मोबाइल बंद रहते हैं, इनसे जनता संपर्क कैसे करेगी और ये कैसे विधायक से संपर्क करेगी जनता? जनता तो सड़कों पर आ जाएगी और आम जनता की परेशानियों को मैं समझ पा रहा हूं। बहुत सारी समस्याएं हैं वैशाली नगर में, मुझे इस प्रत्याशी की भावनाओं में, इस प्रत्याशी में और इसका जो पूर्व का जो इतिहास है और आगामी जो इसके क्रियाकलाप जो हमको समझ में आ रहे हैं हम सब कार्यकर्ताओं को, उसमें हमको कहीं वार्ड का एक गरीब नहीं दिखाई देता, हमको इसके अंदर वो भावना नहीं दिखाई देती कि किसी गरीब का या आंसू पोछेगा, हमको भावना नहीं दिखाई देती कि कोई मजदूर, कोई दुखी अगर पीड़ित इसके पास जाएगा तो ये उसका दुख दर्द को समझेगा। एक जो नेता होता है वो जनता का जो दुख है और कष्ट है वो उसका दुख और कष्ट होता है, ये बात इसके अंदर नहीं दिखाई देती। हर व्यक्ति से उसका जुड़ाव होता है, ये बात इसके अंदर नहीं दिखाई देती। इसके अंदर अगर दिखाई देती है तो केवल पद की लालसा दिखाई देती है, इसके अंदर अगर दिखाई देती है तो स्वार्थ दिखाई देता है, इसके अंदर दिखाई देती है तो कार्यकर्ताओं को उपयोग करके कैसे सिंहासन पर मैं बैठ जाऊं ये दिखाई देता है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यादव जी, एक सवाल आपसे और है, चूंकि आपके इस विरोध को पार्टी विरोधी कदम भी करा दिया जा सकता है, तो आपको नहीं लगता कि यदि पार्टी हाईकमान अपना निर्णय नहीं बदलता, रिकेश सैनी प्रत्याशी बने रहते और आपका विरोध इस तरह से लगातार आपकी जो गतिविधियों को जो हमने देखा है उसको देखते हुए यही लगता है कि अगर आप पूरी दबंगता से अगर विधानसभा चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी को इसका हार का सामना करना पड़ सकता है, वोटों की बहुत गणना में फर्क आ सकता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जनादेश देना तो जनता का काम होता है। राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अपनी प्रत्याशी की अच्छाइयों को लेकर जाता है और वो बताता है जनता को कि ये प्रत्याशी ऐसा है और ये आगे ऐसा करेगा, पूर्व में इन्होंने ऐसा काम किया है, उससे जनता मन बनाती है। जनमत जो होगा, जनादेश जो होगा, वो मेरे पक्ष में आएगा, ये मैं जानता हूं। और मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं विधायक चुनाव लड़ूं। यदि ये व्यक्ति का नाम बदल दिया जाता है तो मैं बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। परंतु यदि व्यक्ति बना रहेगा तो मुझे विवश होकर के मैदान में आना पड़ेगा, आम जनता की भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। और जयप्रकाश यादव कुछ भी नहीं है, ये लड़ाई कार्यकर्ता की लड़ाई है, एक कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा और कार्यकर्ता ही उसको चुनाव जिताएंगे। चूंकि अंतिम सवाल आपसे ये यादव जी, की जो रिकेश सिंह जी का जैसा कहना है और ये लोग जानते भी हैं कि वो, जैसे कि उनका कहना है कि वो गरीब परिवार से उठे हुए व्यक्ति हैं, काफी उनके पिताजी जो है वो काफी आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए है, तो आखिर रिकेश सिंह ने संघर्ष किया है तभी आज अपने बलबूते पे वो स्थापित है, शहर में उनकी एक अलग पहचान है, उस पहचान को भी वो उस चुनाव में देखा जा सकता है ना? ये 3 तारीख को आप सबको पता चलेगा, 3 दिसंबर का हम सब इंतजार करें, जनता सब समझती है और जनता ही फैसला करेगी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ भाजपा नेता जयप्रकाश यादव जी, जो पूरी तरह कमर कस के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को तैयार है। इनका एकमात्र एक चीज इनका यही कहना चुकी है, इस 16 वर्षों से पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, इन्हें कभी किसी पद की लालसा नहीं रही है। पार्षद चुनाव में भी, जो उच्च पार्षद उपचुनाव में भी इनके द्वारा कांग्रेस के एक युवा प्रत्याशी को हराया गया था, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि रही थी। इनका एकमात्र यही कहना है कि रिकेश सेन का विरोध पार्टी में अंदरूनी तौर पर भी है, जो अभी बाहर नहीं आ सका, लेकिन इनका यह भी कहना है कि जो वो विरोध है वो आने वाले समय में सड़कों पर देखने को मिलेगा। तो इनकी हाईकमान और प्रदेश हाईकमान और राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व से यही मांग है, ये जो अपने नामांकन वापस लेने को भी तैयार है, लेकिन प्रत्याशी बदलने की इनके द्वारा मांग की जा रही है। प्रत्याशी को लेकर, रिकेश सेन को लेकर इनका कहना कि वो किसी
को भी स्वीकार नहीं है, लेकिन पार्टी में होने के कारण लोग खुलकर रिकेश सेन का विरोध नहीं कर पा रहे। अब देखने वाली बात यह कि राष्ट्रीय या केंद्रीय नेतृत्व जयप्रकाश यादव की बातों को कितनी गंभीरता से लेता है। हालांकि अब ये